हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं बुंदेलखंड में बनने वाली रेसिपी महेरी। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है चलिए देख लेते हैं। 1.5 लीटर मैंने बटर मिल्क लिया है और 150 ग्राम बासमती राइस लिया है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा प्याज जिसे बारीक काट लिया है मैंने, 10 से 15 लहसुन काट लिए हैं और कुछ हरी मिर्च लिए हैं स्वाद के अनुसार, राई है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, काला नमक लिया है 1 चम्मच, हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार। तो चलिए, कुकर में तेल गरम हो रहा है, एक चम्मच राई डाल दूंगी मैं इसमें। ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छी लगती है, जो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार बना के ज़रूर देखें। इसे मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। गरम मसाले का फूल डाल दिया है मैंने हल्का सा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। राई हमारी तड़कने लगी है तो हम जीरा डाल देंगे इसमें। एक चम्मच मेथी दाना डाल दिया है, कटी हुई बारीक लहसुन डाल दिए मैंने और अच्छे से भून लेंगे इसे, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार। इन सभी को अच्छे से भून लेना है। साथ ही डाल दूंगी 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, इनको भी अच्छे से भून लेंगे। इन सभी को हल्का ब्राउन करना है। बटर मिल्क जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतना ही महेरी उतनी अच्छी बनेगी। चिली फ्लेक्स डाल दिया है 1 चम्मच, काला नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, सभी को अच्छे से भून लेना। स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी मैं इसमें और बहुत अच्छे से भूनना है सभी को। साथ ही धुला रखा हुआ चावल डाल देंगे इसमें, चावल कम और बटर मिल्क ज़्यादा होना चाहिए, बटर मिल्क खट्टा होना चाहिए तब ये रेसिपी अच्छी बनेगी। और इसको मसाले से अच्छे से चावल को भूनना है। दो चार मिनट अच्छे से भून लेंगे इसे, मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। मसाला हमारा भून चुका है, हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें। और ये बटर मिल्क डाल दूंगी मैं इसमें 1.5 लीटर। अभी ये रेसिपी मैंने
चार से छह लोगों के हिसाब से बनाई है, आप अपने अनुसार बना लें। और दो सीटी आने तक मैं से इंतज़ार करूंगी। मेहरी हमारी बन गई है, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ठीक होती जाएगी, वैसे इसे पतला ही खाया जाता है। चम्मच एक बाउल में सर्व कर लेंगे। लीजिए मेहरी तैयार है, इसमें हरा धनिया और डाल देती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।